पिछले दिनों से अजमेर में आम जनता को बिजली संबंधी समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए लगातार टाटा पावर की ओर से जन सुनवाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां पिछले दिनों हजारीबाग, हाथीभाटा व पर्वतपुरा सब डिवीजन में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इसी क्रम में वैशाली नगर सब डिवीजन ऑफिस में टाटा पावर की ओर से एक बार फिर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं को टाटा पावर के कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं इनकी शिकायतों पर संबंधित विभाग में भेजकर संबंधित विभाग को अवगत करवाया। वहीं साथ ही बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान न्यू कनेक्शन बिल नहीं प्राप्त होने जैसी सामान्य तौर पर आने वाली बिजली संबंधी समस्या ही सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि बिजली संबंधी समस्याओं में गिरावट देखने को मिली है, अर्थात जन सुनवाई में आकलन लगाया गया है कि पहले की तुलना में समस्या कम हुई है, जिससे यह साबित होता है कि टाटा पावर की सुविधाएं पहले की तुलना में अच्छी हो रही है। कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को संबंधित विभाग में आगे भेज दिया है। सुनवाई जो हम लोगों ने 3-4 वीक पहले स्टार्ट करी थी, अलग अलग सब डिविजन ऑफिस में जाके हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में इस बार वैशाली नगर सब डिविजन ऑफिस में हम लोग यहाँ के कंज्यूमर और आसपास के जितने भी कंज्यूमर है उनकी कंप्लेंट्स के लिए जन सुनवाई कर रहे हैं। सो 10 बजे हमने स्टार्ट कर दी थी, अभी चल रही है सर 1 बजे तक चलेगी, और अभी तक 4-5 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। कंप्लेंट्स अलग अलग तरीके, कुछ न्यू कनेक्शन, कुछ बिल नॉट रिसीव, मोस्टली कमर्शियल कंप्लेंट्स आई हैं सर अभी। हाँ, ऐसा देख कर लग रहा है सर, ये वाले भी और पिछली एक दो जन सुनवाई में कि कंज्यूमर जिस नंबर्स में पहले आ रहे थे वो अभी थोड़े कम हुए हैं, तो थोड़ी हम लोगों की जो सुविधाएं वो थोड़ी बेटर हुई है।